हॉस्पिटल में, हमारे सामने समाज सेवी एन गोपाल जी, वो हमेशा लोगों का समाज सेवा में लगे रहते हैं। सर हम देख रहे हैं आप एक टिकट कटा के बाहर भी खड़े हैं और डॉक्टर के पास भी आते हैं चेकअप के लिए, इसके बारे में बताएं किस तरह चेकअप करते हैं और कैसा आप लोगों को देखते हैं। देखिए कोई डॉक्टर फिजिकली चेकअप नहीं करते हैं, वो दूर से खाली पूछ लेते हैं और बोलते हैं चले जाओ उधर चले जाओ, वो वहाँ प्रेशर मापो इधर मापो, ऐसा करते हैं उन लोगों ब्लड शुगर ये सब वहीं पर उनका पास होना चाहिए। वो तो दूर से बोल रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, देख के क्या डॉक्टर लोगों सामने में पेशेंट को देख के क्या बोल सकते हैं कहाँ क्या होता है। बॉडी चेकअप भी नहीं होता सर, बॉडी चेकअप बिल्कुल नहीं करते हैं, दूर से पूछते आपको क्या तकलीफ है क्या नहीं। बस बस तो तकलीफ तो सर फोन में भी बता सकते हैं, किसी में बता सकते हैं, हॉस्पिटल आने की क्या दरकार है। हाँ तो इसलिए सरकार को यहाँ थोड़ा देखना चाहिए कि इनको सब इंस्ट्रूमेंट है मगर इन लोगों करते नहीं है टेस्ट, वो दूसरा जगह भेज देते हैं। तो सर ये आप नर्सिंग होम दिखाने जाते हैं तो यही डॉक्टर ये जो डॉक्टर काम करते हैं ये आपका क्या, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, जाते हैं एकदम पॉजिटिवली टाइमली पहुंचते हैं यहाँ, मगर एक नंबर काउंटर में कोई डॉक्टर ही नहीं। तो अब वो चेकअप भी पूरा अच्छा से करते हैं। हाँ। नर्सिंग होम में, नर्सिंग होम में पूरा फिजिकली चेकअप होता है, पास में बैठ के पूछताछ भी करते हैं, मगर यहाँ से तो दूर से 4 फीट दूर से पूछताछ होता है। तो आप लोग चाहते हैं कि फिजिकल ठीक से चेकअप हो, ठीक से ट्रीटमेंट हो और दवाई भी ठीक से मिले लोगों को। जैसा नर्सिंग होम में जाकर टेस्टिंग कर चेकअप करते हैं वैसा गवर्नमेंट में भी, उनको तो गवर्नमेंट पैसा देता है ना, तो वैसे अभी फिजिकल टेस्ट उसी तरह होना चाहिए ना सब टेस्ट। अभी तक सर 9:30 बज गया, कोई डॉक्टर भी नहीं यहाँ पर, एक नंबर काउंटर देखिए कोई डॉक्टर नहीं, पूरा खाली बैठे हुए थे। आप कितना बजे से आए थे सर? हम 8:30 बजे से। 8:30 बजे और 9:30 होने के यहाँ पर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, एक नंबर काउंटर का डॉक्टर, एक नंबर कोई डॉक्टर नहीं सर। चलो ठीक, हम ही MCDMO और गवर्नमेंट को निवेदन करेंगे, हेल्थ मंत्री को भी निवेदन करेंगे कि सर आप आइए हेडक्वार्टर हॉस्पिटल संबलपुर हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, यहाँ के ठीक से देखा जाए, डॉक्टर को ठीक टाइमली आए, फिजिकल ट्रीटमेंट ठीक से हो, ठीक से पेशेंट लोगों को देखा जाए, या बाहर रस्सी लगा देते हैं आप दूर रहो और आपको ऐसे पूछेंगे आपको क्या बीमारी है एक तो दवाई लिख देते हैं। तो हम चाहिए कि पूरा फिजिकल ट्रीटमेंट हो, फिर फिजिकल चेकअप हो और ठीक दवाई लिखा जाए। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।